दोस्तों आईपीएल के ऊपर आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट निकल करके सामने आ रही है, जहां पर पहली अपडेट है आईपीएल के टिकट बुकिंग को लेकर। इसके बाद अंतिम ट्रेड विंडो, कुछ बड़े प्लेयर्स का रिप्लेसमेंट, जेसन रॉय का आईपीएल टीम और भी कई सारी बड़ी अपडेट आईपीएल के ऊपर निकल कर सामने आ रही है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इन सभी खबरों के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि अगर आप आईपीएल से रिलेटेड कोई भी न्यूज सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर फॉलो करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वन बाय वन आईपीएल से रिलेटेड सभी न्यूज दे देते हैं। तो इस लिस्ट की पहली बड़ी अपडेट है मुंबई इंडियंस की टीम की तरफ से। तो आईपीएल 2023 के लिए मुंबई इंडियंस की टीम ने अपना नया जर्सी लॉन्च कर दिया। तो मुंबई इंडियंस का नया जर्सी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। इसके बाद इस लिस्ट की दूसरी बड़ी अपडेट है आईपीएल के टिकट के बुकिंग को लेकर। तो आईपीएल के टिकट का बुकिंग स्टार्ट हो चुका है, जहां पर पहला मैच 31 मार्च को गुजरात टाइटंस और चेन्नई के बीच खेला जाएगा और इस मैच के लिए टिकट का बुकिंग स्टार्ट हो चुका है और लोएस्ट प्राइस है 800। तो आप पेटीएम इनसाइडर पर जा करके इस मैच का टिकट बुक कर सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की तीसरी बड़ी अपडेट है गुजरात टाइटंस की टीम की तरफ से। तो गुजरात टाइटंस ने आईपीएल 2023 के लिए अपना नया जर्सी लॉन्च कर दिया, जहां पर गुजरात टाइटंस के जर्सी में माइनर बदलाव किए गए हैं और इनके लोगों के ऊपर एक स्टार लगा दिया गया है, क्योंकि गुजरात टाइटंस की टीम एक बार चैंपियन बनी है। तो ये छोटा सा बदलाव गुजरात टाइटंस के जर्सी में किया गया। इसके बाद इस लिस्ट की चौथी बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के लिए राजस्थान रॉयल्स के सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 को लेकर। तो राजस्थान की टीम की तरफ से ओपन करेंगे यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर, तीसरे नंबर पर कैप्टन संजू सैमसन, इसके बाद मिडिल ऑर्डर में चौथे नंबर पर देवदत्त पड्डीकल, पांचवें नंबर पर सिमरन हेटमायर, छठवें नंबर पर यान पराग, सातवें नंबर पर जेसन होल्डर और अंत में लोअर ऑर्डर में आठवें नंबर पर रविचंद्रन अश्विन, नौवें नंबर पर ट्रेंट बोल्ट, दसवें नंबर पर प्रसिद्ध कृष्णा और ग्यारहवें नंबर पर यजुवेंद्र चहल। तो राजस्थान की टीम शुरुआती मैचों में इसी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी। तो आपके हिसाब से राजस्थान का प्लेइंग 11 कैसा है कमेंट में जरूर बताएं, और कमेंट में ये भी बताएं कि आप अगली वीडियो में कौन सी टीम का प्लेइंग 11 देखना चाहेंगे। जिस टीम के ऊपर सबसे अधिक से अधिक कमेंट आएगा उस टीम का प्लेइंग 11 हम अगली वीडियो में बता देंगे। इसके बाद इस लिस्ट की पांचवी बड़ी अपडेट है चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की तरफ से। तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम इस साल चेपॉक के स्टेडियम पर 7 मैच खेलेगी। तो एमएस धोनी ने सख्त निर्देश दिया है क्यूरेटर को कि पिच को थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक बनाया जाए, क्योंकि टर्निंग ट्रैक वाले पिचेज पर चेन्नई का परफॉर्मेंस बेटर होता है और चेन्नई के पास कुछ बेहतरीन ऑलराउंडर स्पिन गेंदबाज है। तो इस वजह से धोनी चाहते हैं कि टर्निंग ट्रैक पर आईपीएल के मैच कंडक्ट करवाए जाए। इसके बाद इस लिस्ट की छठवीं बड़ी अपडेट आईपीएल 2023 के दूसरे और फाइनल ट्रेड विंडो को लेकर। तो आईपीएल के अंतिम ट्रेड विंडो में हो सकता है कि अंत में कोई बड़ा प्लेयर ट्रेड हो जाए, क्योंकि मुंबई चेन्नई जैसी टीम में अपने स्क्वाड के इंजर्ड प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट के लिए कुछ खिलाड़ियों को ट्रेड करके अपने स्क्वाड में शामिल करना चाहेगी। इसके बाद इस लिस्ट की सातवीं बड़ी अपडेट आईपीएल के रिप्लेसमेंट प्लेयर्स को लेकर। तो 3 से 4 दिनों के अंदर मुंबई इंडियंस की टीम राइली मेरेडिथ का रिप्लेसमेंट रिवील करेगी, और जैसे ही इंडिया ऑस्ट्रेलिया का चौथा टेस्ट खत्म होगा उसके बाद सभी टीमें रिप्लेसमेंट रिवील करना स्टार्ट करेगी, जहां पर दिल्ली की टीम पलत के स्थान पर प्रियाम गर्ग को शामिल कर सकती है, और इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम प्रसिद्ध कृष्णा के स्थान पर अंकित राजपूत को अपने स्क्वाड में साइन कर सकती है। इसके बाद इस लिस्ट की आठवीं बड़ी अपडेट है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की तरफ से। तो आरसीबी की टीम अपने स्क्वाड में रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर जेसन राय को शामिल कर सकती है, क्योंकि जेसन रॉय ने हाल ही में पीएसएल में लगभग 145 रनों की आतिशी पारी खेली थी और उन्होंने 241 रनों को आसानी से चेज कर दिया था 10 गेंद शेष रहते। तो जेसन रॉय के शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए आरसीबी की टीम चोटिल विल जैक्स के रिजर्व के तौर पर अपने स्क्वाड में जेसन
जेसन रॉय को शामिल करना चाहेगी, जहां पर जेसन रॉय रिजर्व खिलाड़ी के तौर पर आरसीबी टीम को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद इस लिस्ट की 9वीं बड़ी अपडेट है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की तरफ से। तो लखनऊ सुपर जायंट के मेंटोर यानी कि गौतम गंभीर ने बताया कि वो लोग चाहते हैं कि लखनऊ के कान्हा स्टेडियम को लखनऊ सुपर जायंट्स का किला बनाया जाए, जहां पर लखनऊ को कोई भी टीम परास्त आसानी से न कर पाए। वहीं इस लिस्ट की 10वीं अंतिम अपडेट इंडिया ऑस्ट्रेलिया के चौथे अंतिम टेस्ट मैच को लेकर। तो ये महामुकाबला शुरू हो चुका है और इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने अच्छा खासा स्कोर बनाया और करेंटली टीम इंडिया 9 ओवर में 34-35 रन के आसपास बना चुकी है। तो कुल मिलाकर के टीम इंडिया को फर्स्ट इनिंग में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। तो ये था आईपीएल से रिलेटेड आज के दिन कुल 10 बड़ी अपडेट। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।